बंद करिए आप लोग, पीछे लोगों बंद करिए, बंद करिए लाइट, ये बहुत पुराना बस, अरे बंद करिए यार पीछे लाइट। यहाँ से पहले बहुत जगहों की बस यहाँ से चलती थी, आज दुर्भाग्य है कि मैं आया हूँ और इसकी हालत ठीक नहीं है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से बसें भी चलेंगी और कई क्षेत्रों की बसें चलेंगी यहाँ से, और इसकी जो रंग रोगन भी और इसके अच्छे सेट भी बनेंगे, इसके जो शौचालय भी ठीक कराए जाएंगे, और इसको एक बहुत ही अच्छा और फिर से डिपो को एक नए आधुनिक फ्लेवर में इसको बनवाया जाएगा। मैंने इसको पूरे इसको अभी घूम करके मुआयना किया है और इस पर जो है लखनऊ जा करके इस पर जो है जो भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी धन भी आवंटित होगा। यहाँ नई बसों की भी व्यवस्था की जाएगी, और क्योंकि ये ऐसे केंद्र पर है जहाँ पर से बहुत सारे जगहों पर हमारी कनेक्टिविटी में पहले रहती थी, आज कहीं ना कहीं टूटी हुई है, उसको सब जोड़ना है और इसको इस डिपो को फिर से इसको जो एक अपना मैं देख रहा हूँ कितना यहाँ पर पहले भीड़ रहती होगी कि पैसेंजरों को लाइन में खड़े होने के लिए भी वो बनाया गया, एक नहीं कई बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मैंने समृद्ध हमारा बस डिपो रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसको नहीं देखने के कारण इसका और शहर के बीचों बीच जी है, मैं इसका सही उपयोग होगा परिवहन निगम करेगा, यहाँ के लोगों का गमन के साधन के लिए नई बसों की भी उपलब्धता कराई जाएगी, और इसको पहले मैं सही ढंग से उसको मरम्मत कराऊंगा और अपने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन लोगों के नाम पर इसका नामकरण। दयाशंकर सिंह जिंदाबाद, चंदौली जिले बने 27 साल 24 साल हो गया, लेकिन अभी तक 24 साल में एक भी डिपो स्टेशन नहीं खुल पाया रोडवेज का, जिला का जो रोडवेज डिपो होना चाहिए जिले में नहीं खुल पाया, और जमीनें तो बहुत ज़्यादा है। 2016 में इसका शिलान्यास भी हुआ था, भूमि पूजन हो गया था रोसा में, लेकिन अभी तक आया नहीं, वो किन कारणवश बंद हो गया इस पर कुछ जानकारी चाहिए। आपने बताया है इसको अभी अपने अधिकारियों से, क्योंकि कमिश्नर और डीएम ने दोनों ने शिलान्यास किया था 2016 में, वो हाईवे के किनारे ही हुआ था लेकिन वो बंद हो गया। इसका पता कर लूँगा और उसको भी मैं देखवा लूँगा। ठीक, थैंक यू।